2024 का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इस वीडियो के हेल्प से आपके कुछ पैसे सेव करना चाहता हूं इस न्यू साल की शुरुआत में। क्या बोला तूने? अगर आप इस वन कार्ड को यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मिस्टर टेकमैन। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एज अ क्रेडिट कार्ड यूजर हम सभी को पता है कि क्रेडिट कार्ड के कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से हिडन चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोई भी हिडन चार्जेस जब एप्लीकेबल होता है आपके स्टेटमेंट के ऊपर, जब हम जाने अनजाने में कोई गलती करते हैं, तब इंटरेस्ट चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज, ओवर लिमिट वगैरह चार्ज अप्लाई होता है। पर दोस्तों, वन कार्ड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन कार्ड के केस में जब आप गलती करते हैं तब तो इंटरेस्ट चार्ज लगता ही है, और इंटरेस्ट चार्ज भी कोई एक महीने नहीं लगता, वो कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक इंटरेस्ट चार्ज लगता है। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और अभी तो रुको। और दोस्तों, जब आपकी कोई गलती नहीं होती है तब भी वन कार्ड इंटरेस्ट चार्ज आपके स्टेटमेंट में लगा देता है। आप अपना स्टेटमेंट जरूर एक बार चेक कर लेना। दोस्तों, होता क्या है, मेरे नवंबर की आउटस्टैंडिंग जो कि 8 दिसंबर को ड्यू डेट होता है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, वो मैंने 8 दिसंबर को बाय क्रेड के थ्रू टोटल पेमेंट कर दी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं चैन से बैठ जाता हूँ, नेक्स्ट मंथ की आउटस्टैंडिंग का वेट करता हूँ, और जब नेक्स्ट मंथ की मेरा स्टेटमेंट जनरेट होता है, उससे पहले दोस्तों मैं देख के शौक हो जाता हूँ कि 5,924 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाता है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग था वो मैंने ड्यू डेट जो कि 8 दिसंबर था मेरा, मैंने कंप्लीट पेमेंट कर दिया था क्रेडिट के थ्रू। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने जो पेमेंट किया था 8 दिसंबर को, वो 8 दिसंबर में ही वन कार्ड के पास रिसीव हो गया था, तब भी वन कार्ड ने इंटरेस्ट चार्ज लगाया है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे एक फ्रेंड के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। उनके स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनका भी ड्यू डेट 8 दिसंबर को ही होता है और उन्होंने भी अपना कंप्लीट पेमेंट बाय ट्रेड के थ्रू पेमेंट कर दिया था। जब नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट जनरेट होता है उनका, तो 8,363 रुपए इंटरेस्ट चार्ज स्टेटमेंट में एड कर दिया जाता है बिना कोई मिस्टेक के। दोस्तों, यहाँ पे मुझे बताएं कि आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट नजर में ये स्कैम है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों, मैं कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ और कस्टमर केयर से जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके के इंटरेस्ट चार्ज इन्होंने लगाया है और हमारी क्या फॉल्ट थी जो इन्होंने इतने मोटा इंटरेस्ट चार्ज लगा दिया स्टेटमेंट में। दोस्तों, कस्टमर केयर कहते हैं कि सर, आपने थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट किया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं वन कार्ड को 2 सालों से यूज कर रहा हूँ और हमेशा मैंने वन कार्ड को थर्ड पार्टी से ही पेमेंट करी है और सेम डे रिफ्लेक्ट होता है, फिर भी दोस्तों इन्होंने इस बार इंटरेस्ट चार्ज लगा दिया है। अब दोस्तों, आप मुझे बताएं कि ये स्कैम है या नहीं है। कस्टमर की कोई गलती नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट चार्ज स्टेटमेंट में ऐड किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद मैं वन कार्ड की कस्टमर केयर को कॉल करता हूं और हमारी और आपकी जो लैंग्वेज होती है उसमें इनको गालियां अच्छे से देता हूं, अच्छे से समझाता हूं, तो ये मेरी कंप्लेन लेते हैं, ना ना करके हाँ हाँ में बदल जाते हैं और एक हफ्ते के बाद इंटरेस्ट चार्ज रिफंड हो जाता है। मैंने दोस्त की भी हेल्प करी और उसका भी इंटरेस्ट चार्ज रिफंड हो जाता है। दोस्तों, मैं जानता था कि इंटरेस्ट चार्ज रिफंड हो सकता है साल में 1 या 2 बार, इसलिए मैंने इंटरेस्ट चार्ज रिफंड करा लिया, पर आपके केस में हो सकता है ऐसा ना हो, आप नहीं जानते हो और आपके साथ इंटरेस्ट चार्ज लग गया होगा। आप एक बार अपने स्टेटमेंट जरूर चेक कर लेना और कभी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने से पहले एक बार अपना स्टेटमेंट जरूर चेक कर लेना, उसके बाद ही कार्ड की पेमेंट करना। अब दोस्तों, मेरे को इस वीडियो में आप ये बताएं कि क्या वन कार्ड की तरफ से एक स्कैम है या नहीं है, क्या वन कार्ड कस्टमर की पेमेंट को लूट रहा है या नहीं लूट रहा है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना और वन कार्ड के यूजर के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोग अवेयर हो सके इस स्कैम से। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मिस्टर टेकमैन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ इस तरीके के वीडियो के साथ।